नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। असम के एक मुस्लिम युवक ने हिंदू महिला को ब्लड डोनेट करने के लिए पाक महीने रमजान के दौरान रखे जाने वाला रोजा तक तोड़ दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद लोग इस शख्स की काफी तारीफ कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भी उसके काफी ज्यादा चर्चे हो रहे हैं। सोनितपुर के ढेकिया झूली निवासी मुन्ना अंसारी रमजान के दौरान रोजाना सूर्योदय से सूर्यास्त रोजा रख रहे हैं। इसके लिए वह रोजाना इस्लाम के हर नियम का पालन भी कर रहे हैं। हालांकि विश्वनाथ सिविल हॉस्पिटल से आई एक कॉल के कारण उन्होंने अपना रोजा तोड़ दिया। विश्वनाथ सिविल हॉस्पिटल में एडमिट एक हिंदू महिला रेवती बोरा को देखने के लिए अंसारी विश्वनाथ गए। रेवती को गॉल ब्लाडर में दिक्कत की वजह से करीब 7 दिन पहले एडमिट किया गया था। उनके इलाज के लिए बी निगेटिव ब्लड की जरूरत थी। जिले के ब्लड बैंक में महिला के ग्रुप का ब्लड नहीं था। ऐसे में रेवती के परिजन 3 दिन से डोनर को ढूंढ रहे थे। 3 दिन तक डोनर का इंतजार करने के बाद महिला के बेटे ने टीम ह्यूमैनिटी वॉलंटरी ब्लड डोनर ग्रुप के फेसबुक पेज पर एक मैसेज डाला। अंसारी ने इसका जवाब देते हुए बताया कि उनका ब्लड ग्रुप बी निगेटिव ही है। असम के अखबार ईस्ट मोजो के मुताबिक रेवती के बेटे अनिल ने बताया कि पहले हमारा आपस में कोई संबंध नहीं था, लेकिन माँ को खून देने की वजह से अब हम एक हो गए हैं। करीब 3 दिन के इंतजार के बाद महिला को ब्लड डोनर मिलते ही उनके परिजन भावुक हो गए। बेटे अनिल ने रोते हुए पत्रकार से कहा, अंसारी ने मेरी माँ को खून देकर साबित कर दिया कि सभी रिश्ते के लिए धर्म या खून के बंधन की जरूरत नहीं होती है। रेवती को ब्लड डोनेट करने के बाद अंसारी ने बताया कि वह टीम ह्यूमैनिटी ब्लड डोनर ग्रुप के एक्टिव मेंबर हैं। वह लगातार कई साल से ब्लड डोनेट कर रहे हैं। वह अपनी पूरी जिंदगी ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। धन्यवाद।